सहसिनम जिनसाहसिनम सहसिनम जिनसाहसिनम डुमोरिंताडुम डुमो सिद्धाडुम नमो आइरियाडुम डुमो छायाडुम अनंत अनंत परम सिद्ध गुवाइनी की एक जडगवान पद्म प्रभु स्वामी की एक जडगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की परम पूज आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेंद्र की पीयूष देशना जिनेंद्र वाड़ी मनीष्यों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंत हो जयवंत वित्राग श्रवण संस्कृति भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु के वस्तु पर हर विधा पर चिंतन दिया है सारे विश्व को एक अलौकिक दृष्टि प्रदान किए हैं। जीव नहीं समझ पाता तपस्या की गहनता को प्रवेश किए बिना भी प्रतिप्रिय अनंत गुणा पुण्य का संचय जीव कर सकता है। वो जीव कितना अभागा होगा पुण्यक्षीण होगा जो अपने गाड़ी के तेल को दूसरे को मुड़ करके पीछे देखने जा रहा हो कि व्यक्ति कैसा है और जिसने यूं मुड़ करके देखने का प्रयास किया है उसका समय बर्बाद हुआ, उसका तेल नष्ट हुआ है, उसकी आयु नष्ट हुई है और मित्र उसके चित्त में दूसरा पुरुष चल रहा था उसका पुण्य भी छीन हुआ है। जो सज्जन पुरुष है अपने मार्ग को तय करता है। ऐसे कितने ऐसे जीव हैं अपने सुख को न भोग करके अपने सुख का भोग शांति से नहीं भोग पाते। मैं सुखी हूं बहुत गहरे में जाना, मैं सुखी हूं अपने सुख को भोगने वाले जीवों की संख्या बहुत कम है। मैं सुखी हूं इस बात को समझने वाले जीव बहुत कम है। बीच में सोच बैठते हैं कि पड़ोसी दुखी है मैं सुखी हूं। शायद आप नहीं समझ पा रहे हो मैं सुखी हूं तो अपने निर्विघ्न सुख का भोग नहीं कर रहा। मैं सुखी हूं पड़ोसी दुखी है इस बात का वेदन करके बीच में जैसे मेरे मित्र एक मिठाई के अंदर आपने कंकड़ रख लिया है अपने सुख के भोग के बीच में आपने दूसरे को खड़ा कर लिया है वो दुखी है मैं सुखी हूं। भोग भूमि अजीब कभी नरक नहीं जाता, भोग भूमि जीव कभी नरक नहीं जाता लेकिन कभी तपस्या भी नहीं करता। भोग भूमि जीव अनिल भैया सुनील कभी तपस्या भी नहीं करता और नरक भी नहीं जाता। भोग भूमि जीव नियम से स्वर्ग ही जाता है प्रवीण भाई, नियम से स्वर्ग जाता है। जब कोई तपस्या ही नहीं करता तो स्वर्ग किसके बल पर जा रहा है ललित भैया यही रहस्य समझना है।
तपस्या किए बिना भी जीव स्वर्ग जाता है। शायद जिनागम की कुंद कुंद इस गाथा को व्यक्ति समझ गया, जगत के क्लेश घर घर के रामायण और घर घर के महाभारत समाप्त हो जाएंगे, जिस दिन ये समझ में आ गया कि बिना तपस्या के बिना जीव स्वर्ग जा रहा है। और एक भी त्याग नहीं है, भोग भोगता है, फिर पुण्य कहां से आ रहा है? प्रश्न ये है, पुण्य कहां से आ रहा है? हे मित्र, चूल्हे के ऊपर बटू भैया, चूल्हे के ऊपर प्रदीप आपने सुंदर मखमल का चादरा टांग दिया है, चाहे तुम पहनो ना पहनो, ओढ़ो ना ओढ़ो, प्रयोग करो ना करो, लेकिन चूल्हे के ऊपर तान के रखा है, चूल्हे के अंदर नहीं है, जलते दिख नहीं रहा है, जलते दिख रहा नहीं है और जलने से बच रहा नहीं है, जलते दिख नहीं रहा है और जलने से बच भी नहीं रहा है। चूल्हे के ऊपर आपने बांध के रखा हुआ है, यानी आपको बोध होना चाहिए, मखमल के वस्त्र के तंतु इतने नाजुक, चूल्हे की तपन के नियोग से चमकता तो ऊपर दिखता रहा, लेकिन हाथ मत लगा देना, वो नष्ट हो चुका है, उसके प्रत्येक तंतु झुलस चुके हैं। इसी प्रकार से तो जीव संसार के सुखों को भोग नहीं रहा है और अंतरंग के ईर्ष्या की आग के चूल्हे से अपनी आत्मा को दूर रख नहीं पा रहा है। ऐसा जीव ऐसा लगता है कि तपस्वी के रूप में दिखता है, परंतु मनुष्य वो मानव जो है अपने पूरे पुण्य को छीन कर बैठता है। और जिस जीव ने तपस्या नहीं की हो, मात्र संसार का सुख भोगते हुए भी किसी जीव के प्रति ईर्ष्या का परिणाम नहीं रखता, मन में क्लेश भाव नहीं लाता, देव शास्त्र गुरु धर्म की आस्था से भरपूर होता है, मित्र ऐसा जीव बिना तपस्या किए भी मंद कसाई के नियोग से वह प्रशस्त परिणामों से पुण्य का संचय करता है और नियम से स्वर्ग में देव होता है। आप सबके बीच में भोजन दे दिया तो खुश है, नहीं मिला तो खुश है, किसी ने सम्मान किया तो खुश है, नहीं किया तो खुश है। मित्र उस आदमी को देख करके, जैसे दिगंबर मुनि को देख करके धरती पर चलते हुए इन धरती के देवताओं को देखकर सिद्धत्व का वेदन कर लेना, और यदि श्रावक इतना शांत जीता है तो मेरे मित्र स्वर्ग के देवता को जमीन पर घूमते देखना। स्वर्ग का देवता है और अजीब ये परिणाम कोई साधु से पूछने मत जाना, नहीं तो प्रदीप भाई पहुंचे महाराज जी, अब मैं भगवान से पूछूंगा। भगवान से पूछने का विषय नहीं है, भगवान से पूछने का कोई विषय नहीं है। प्रवीण गानी कहेंगे भाई बिट्टू, प्रवीण से कहना है मित्र, परीक्षा हाल में परीक्षा देने वाला छात्र अध्यापक से पूछने जाए कि मैं पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, ये तो पागलों की भाषा है। अध्यापक से क्या पूछना, उसने मेरी कॉपी नहीं लिखी है, कॉपी मैंने लिखी है, मुझे मालूम है मैं फेल होऊंगा कि मैं पास होऊंगा। इसी प्रकार से जगत के लोगों से पूछने मत जाओ कि मेरा भविष्य क्या होगा, जगत के लोगों से मत पूछो मेरी भावनाएं क्या चल रही है, मेरी भावना का सत्य मेरी आत्मा में है, मेरी भावना का सत्य पर की आत्मा में होता ही नहीं है। और जो अपनी आत्मा के परिणामों को दूसरे की आत्मा में पूछ रहा है वो तो जैन ही नहीं होता, कि जैन दर्शन कहता है स्व का सत स्व में है, पर का सत पर में है, पर सत से मेरे में असत है और मेरा सत पर में असत है, ये दार्शनिक दृष्टि है। और दार्शनिक दृष्टि से रोहित जिसने राहुल दार्शनिक दृष्टि का जब तक बोध नहीं है बेटा,
जैन दर्शन के बारे में तुम कुछ भी नहीं बोल सकते हो। भारतीय दर्शनों को समझना है, दार्शनिक भाषा से बोलोगे, तार्किक दृष्टि से बोलोगे तो मित्र चाहे शास्त्रों को व्यक्ति पढ़ा हो ना पढ़ा हो, इस बात को कौन नहीं पढ़ा है भाई? टोपी वाला कौन है, किसको लेके आया? मेयर जी, हे मित्र, कितने कर्म आत्मा में आ रहे जा रहे आप नहीं जानते हो, पर इस बात को आप जानते कि नहीं जानते हो, वर्तमान में भाव कैसे चल रहे हैं। 148 कर्म की प्रकृतियों को नहीं गिना सकते आप, मैं मान सकता हूं, लेकिन इस बात को जानते कि नहीं जानते हो कि प्रदीप मंत्री के प्रति मेरे भाव क्या चल रहे हैं, बाबा के प्रति कैसे भाव है, बब्बा के प्रति कैसे भाव है, मित्र और डीके के प्रति कैसे, संगी के प्रति कैसे प्रणाम तुम्हारे मालूम चल सकते कि नहीं चल सकते आप? स्वयं के प्रणामों की दशा का बोध होता है, सगे भाई के प्रति प्रणाम कैसे चल रहे हैं। मित्र भाई का संबंध समाप्त हो जाएगा, लेकिन प्रणाम का संबंध समाप्त नहीं कर पाओगे। जिस जीव ने परीक्षा दी है उसे बोध होता है कि मैंने कैसा पेपर दिया है, ऐसे जिस जीव के परिणाम चल रहे हैं उसको बोध होता है मेरे भावों की दशा क्या हो रही है। जो भावों की दशा होगी अगले भव की दशा वही होगी, उसे भगवान टालने की शक्ति नहीं रखते। इस ब्रह्म में कोई जीना मत कि मैं जो कुछ करूंगा भगवान ठीक कर देगा। राहुल ये वो दर्शन नहीं है कि पत्नी को पीटा, अपने पिता से क्षमा मांग रहा है, पिताजी क्षमा कर दो मैंने अपनी पत्नी को पीटा है। ये वो दर्शन नहीं है कि मित्र माँ को तू गाली दे के आया है और भगवान से कह रहा प्रभु क्षमा कर दो मैंने अपनी माँ को गाली दी है। यानी वो दर्शन है, यदि आपको क्षमा जागृत हुई है तो अपनी माँ से जाकर बोलो, हे माँ खमन तुम्हें, मुझे क्षमा कर दे, मैं तुझे क्षमा खमामी मैं क्षमा करता हूं। लेकिन आप ये कहने मत चले जाना कि हे प्रभु पारसनाथ मैंने पाप किया आप मुझे क्षमा कर दो। पारसनाथ क्षमा नहीं करेंगे बेटा, क्षमा तुम्हारे पे प्रणाम करेंगे। जितने प्रणाम से तुमने पाप किया है उतने ही प्रणाम से तुम्हें विशुद्धि बनाना पड़ेगी। यहां से पारिस भी नहीं चलती, कर्म बंद में और कर्म छह में कोई परमात्मा का आशीर्वाद और वरदान नहीं चलते हैं। यानी प्रत्येक जीव का कर्म का परमन स्वाधीन है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर रही सो तस फल चाखा। एक बात को तुलसीदास ने जिनवाणी से लेके लिखा, जब हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा हे जीव कर्मणा, जो कर्मों का परमन है, कर्मणाम कर्ता भुक्ता च स्वयमेव, कर्मों का कर्ता भुक्ता जीव स्वयं ही है, कर्ता तू है तो भुक्ता भी तू है और मित्र क्षय करने वाला भी तू ही है। अड़ू 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 ओ, अभी झांसी के लोग भूले नहीं है। ज्ञानी ऋषभ कहां तुम्हारा, सबके दिन एक से नहीं होते मुमुक्षु, सबके दिन एक से नहीं होते। यही गांधी चौक का मंदिर, बड़ा मंदिर, कभी सुनील एक दिन ऐसा था 1999 में दुकानदारों से पूछ के मंदिर के रास्ते पर आया था। मैं सब देखता रहता हूँ गायक भाव से। एक वो दिन था इसी मंदिर में, जैसे शाम को प्रवेश किया तो यहाँ का मैनेजर कहता महाराज जी आप यहाँ से जाओ, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। शाम को दूसरा बका एक राजेंद्र भाई थे, अचरौनी एक और भाई था, वो नीटू उनने सेवा की और सुबह सुबह यहाँ से बिहार किया जब तो वो सामने जो मंदिर है ना वहाँ के पुजारी से पूछा भाई रास्ता कहाँ है करुआ जी का,
वो कहता है, बोले महाराज जी यहां से निकल जाओ आप। जब करुआ जी पहुंचे ना तो वहां राजेंद्र प्रेस मिल गए, तो वो भी ध्यान नहीं दे रहे थे, वे तो अपने मंत्री थे ना, तो अपने काम में लगे हुए थे। वृक्ष के नीचे इधर प्रवीण बड़े महाराज जी के पास पूरी समाज भिंड लगी हुई थी आचार्य श्री को लेवाने के लिए। वहां से समाचार आया, जब तक मेरा बिहार ना हो भिंड से तब तक आप वहीं रहना। नहीं कोई बात नहीं है, दुनिया के लोग एकांत खोजते हैं, मुझे तो एकांत मिला और भाग्य पारसनाथ स्वामी चरणों में। मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्र थे, वे मेरे पास आ जाते थे, और एक ध्यान कोश नाम का ग्रंथ है, उस ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा था। तो स्वाध्याय करते करते एक दिन राजन भाई पहुंचे, उन्होंने नमोस्तु किया दूर से ही, और दूर से बैठ के बोले, वो सुनने लगी बोल क्या रहे हैं, क्योंकि फिर भी नुआ थे ही नहीं। पता नहीं किसके मन में भाव आया, वो कहता बोले इनसे प्रवचन करा लो, देखो क्या बोलते हैं। तो ज्ञानी बोले, बोले महाराज जी प्रवचन करोगे? ठीक, आप जैसा चाहो वैसा कर लेना। विद्या भवन में प्रवचन कराए प्रवीण मालूम, आठ व्यक्ति थे, आठ व्यक्ति उनमें चार पुरुष थे, चार माताएं थी। विमत सागर से कहा, नहीं करो प्रवचन? भी कहता नहीं करूंगा। क्यों? बोले कोई है ही नहीं है। हमने ज्ञानी तुम समझो, कोई नहीं, आप टेंशन के, मैं तुम्हें सुनूंगा। उन्होंने प्रवचन नहीं किए, और जैसे ही प्रवचन हुआ विद्या भवन में, दूसरे दिन 40, तीसरे दिन 400, और एक दिन ये हुआ कि भवन में बैठने को स्थान नहीं मिला। अब समाज पुनः मुझे इसी जिनाले में लेके आई करुआ जी से। अब तो बैंड बाजे ढोल ढमाके, जब ढोल ढमाके यहां पर एक शिविर लगा, वही बेचारा मैनेजर बार बार कहे स्वामी क्षमा कर दो। उन्हें क्यों? बोले क्षमा कर दो आप तो। उन्हें हुआ क्या भाई, आप क्या क्या दोष? बोले मुझे मालूम ही नहीं था आप ऐसे भी हो, कि ऐसा का तो ऐसा भी कर लिया, ऐसा का तो ऐसा भी कर लिया। मैंने ज्ञानी आपको मालूम होना चाहिए, मैं व्यवस्थापक नहीं बना हूं, मैं कोई नेता नहीं बना हूं, मैं दिगंबर साधु बना हूं, और साधु का धर्म होता है कि श्रावक को कष्ट ना हो। मधुकर वृत्ति होती जैन मुनि की, जैसे भोरा पराग लेता है लेकिन कभी पौधे में पुष्प में छेद नहीं करता है, ऐसे दिगंबर मुनि श्रावक के यहां आहार तो लेता है पर श्रावक को पीड़ित नहीं करता, उसका नाम जैन मुनि होता है। यहां से फिर सुबह के बाद फिर करुआ जी पहुंचे, तो वहां का मैनेजर कहने लगा, बोले महाराज जी हम तो सोच रहे थे हमारे यहां कोई आते नहीं है, भीड़ कहां से आ गई? यानी सत्य है, ऐसा विश्व में कोई नगर मुझे नहीं मिला प्रवीण आज तक, जहां पर सच्चे श्रावक मुझे ना मिले हो। बे आंखें लोगों की कांच की है जिन्हें सच्चे गुरु ना मिले हो, पर मुझे तो सर्वत्र सच्चे श्रावक मिले, सर्वत्र मुनि मिले हैं। कारण यह है, हे मित्र, आपके भीतर कुछ है तो दुनिया तुम्हें देखती है, और तुम्हारे भीतर कुछ नहीं है तो मित्र अपने जीवन में ध्यान रखना, माधुर गुण प्रीति, माधुरता में प्रीति है। जहां माधुर्य, चीटियों को तो असंगी कहा है आगम में, वे चीटियां असंगी हैं, फिर असंगी चीटियां भी नमक से नहीं चिपकते मित्र। यानी रानीपुर चीटियां भी नमक से नहीं चिपकती, यानी वे चीटियां भी शक्कर के पास जाती है। ऐसे सच्चा श्रावक सच्चा साधु का समागम मित्र माधुर गुण प्रीति का सहयोग है। जहां से समाज में जैसा 1999 में ये वही मंडप है जहां कभी कल्पद्रुम विधान हुआ था,
एक समूषण लगा हुआ था। हे मित्र, समाज के अंदर जो समरसता है वो ऐसे जीवित रहे, क्योंकि ज्ञानी समय बदलता रहेगा, समय बदलता रहेगा, पर शमन में ना बदले। अखंडता में जो आनंद है वो खंड खंड में नहीं होता। इसलिए अपने जीवन में यहां पर देश का ऐसा अनूठा अनूठा प्रदीप, शायद आपको पता हो, एक अनूठा सहस्कूट जिनालय है, वो झांसी के जिनालय में है। एक चार फलक 1000 प्रतिमाओं को स्थापित किए अपने सिर पर, 1000 सहस्कूट जिन मंदिर उस पर है, जब सहस्र सहस्र जिन बिंब स्थापित एक फलक पर हो सकते हैं मित्र, तो ये समाज के इन बंधुओं को आप मत मात्र मात्र इनको श्रावक मत देखो, मात मात इनको मनुष्य मत देखो। देखने की आंख है तो राहुल, इनको भविष्य के भगवान देखो। जब हम महावीर की दृष्टि में निगोदियम भगवान दे सकते हैं, इस बच्चे में भी भगवान देखो। ओ आज से बेटा राहुल, इस बात का ध्यान रखना, छोटा सा बच्चा भी कहीं मिल जाए उसे बच्चा कह के डांटना मत। आप बच्चा न होते तो झांसी में पंडित बन के कैसे आते, और महावीर बच्चा न होते तो हमारे भगवान कहां से बनते। इसलिए मेरे मित्र, जैसे किसान अपने अंकुर की रक्षा करता है तो फसल उगाता है, ऐसे बच्चे बच्चे की रक्षा करो माताओं, जिससे हमारे भविष्य के भगवान तैयार हो, भविष्य के भगवान तैयार हो। पुण्य चाहिए तो चादरी को सुरक्षित रखना चाहते हो सुनील विधायक जी। हे मित्र, तुम सब महापौर मंत्री विधायक सब राजे हो, मेरा सबसे कहना है, यदि चादरी को सुरक्षित रखना चाहते हो तो मित्र पेटी के अंदर रखिए, उसको चूल्हे का चंदोवा मत बनाइए। जिसे अपने पुण्य को सुरक्षित रखना है वो मित्र कसाय के चूल्हे पर अपने भावों को ना रखे, नहीं तो पुण्य की कड़कन झुलस जाएंगे। कुंद कुंद स्वामी ने 135 नंबर की गाथा में, गाथा नंबर नोट कर लेना, कुंद कुंद स्वामी ने 135 नंबर की गाथा में 85 काय में जिस ग्रंथ के लिए, यानी सौरभ झांसी के श्रावक उनमें तुम्हारा प्रवीण भी है, कई बार मेरे से बोल चुके महाराज एक बार, पर मेरा भाव है 85 का ग्रंथ। प्रदीप भैया, आचार्य कुंद कुंद स्वामी का साहित्य प्रवचन सार सुब्रत सागर 100 लगभग 142-143-143 यूनिवर्सिटियों में कुंद कुंद का प्रवचन सार भारत से लेकर विदेश में चल रहा है। 85 का एक ऐसा ग्रंथ है, जब राधा कृष्णन ने दर्शन पर ग्रंथ लिखा तो उन्होंने जैन दर्शन पर जब लिखने का मन किया, उन्होंने सीधा का सीधा 85 का एक विषय उतार के रख दिया। ऐसा विश्व में कोई विषय नहीं है जो जैनाचार्यों ने न लिखा हो। आवश्यकता यह है कि चाहे प्रदीप हो, चाहे बिट्टू हो, चाहे प्रवीण हो, जितने नेता जगत के हैं, सुनील इस माइक को पकड़ने के साथ साहित्य का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। भजन तो दुनिया गाना जानती है, पर जो क्लासिक भजन गाते हैं उनकी धुनी अलग होती है। ऐसे मित्र माइक तो दुनिया पकड़ती है, जो अध्ययन करके पकड़ते हैं उनकी धुनी अलग होती है। और जैन दर्शन में धुनी को नमस्कार किया नहीं गया,
जैन दर्शन में ध्वनि को प्रणाम नहीं किया गया है, जैन दर्शन में ज्ञानियों दिव्य ध्वनि को नमस्कार किया गया है। हम लोग ध्वनि प्रिय नहीं है, ध्वनि को नमस्कार नहीं। कौन कितना सुंदर गाना जानता है मुझे पसंद नहीं है, कौन सुंदर जिनागम की व्याख्या करता है ये समझ में आता है। इसलिए यदि आज आपने कुरल काव्य जैसे ग्रंथों का दिन किया, नीति वाक्मत जैसे ग्रंथों का दिन किया, तो तुम्हारी राजनीति का विषय दुनिया में कोई हाथ नहीं पकड़ पाएगा, बोले ये नीतज्ञ कहां से आ गया। कुरल काव्य और नीति वाक्यमृत, ये दो ग्रंथ तो हर राजनेता को पढ़ना चाहिए। और दार्शनिक दृष्टि समझना है, इन ग्रंथों का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मैं विद्वता को दिखाने के लिए, इसलिए ले रहा हूं कि आपको मालूम होना चाहिए। हर व्यक्ति की दृष्टि रहती है कि जैसा व्यक्ति सुनता है वैसा सोचता है, और सोचता है उसकी प्राप्ति का लक्ष्य बनाता है। प्रदीप भाई विश्व प्रभात, जैसा सुनता है वैसा सोचता है, और जैसा सोचता है वैसा लक्ष्य बनाते, बहुत बड़ा सूत्र है आपके लिए। जैसा व्यक्ति सुनता है वैसा सोच बनता है, जैसा सोच बनता है उसकी प्राप्ति का उपाय खोजता है, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है। इस सिद्धांत के बल पर विश्व के संप्रदाय खड़े हुए हैं, इस सिद्धांत के बल पर लोक के अंदर अनेक प्रकार के लोग अपने आप को खड़ा कर लिए। और ये बात को समझना हो तो एक राजनेता से मिलना, कितनी आवाज चल रही हो, कितनी भीड़ हो, हलचल चल रही हो और छीन रहे माइक, तब भी प्रदीप से पूछना, जब सभा में संबोधन करने जाते हो, बोले कोई सुने ना सुने अपनी बात पूरी करके जाएंगे, ये बात बोलो सत्य है कि नहीं। रहस्य क्या है, सामने लोग हल्ला कर रहे हैं, हल्ला करने वालों के बीच में भी ऐसे भी लोग बैठे मिलेंगे तो ध्यान से सुन रहे थे कि क्या बोल गए। इसलिए हर व्यक्ति की बात सुनना नहीं चाहिए, अपने दूसरा विषय बोल रहा हूं, हर व्यक्ति की बात सुनने वाली क्यों, बात जब कान में जाती है तो यानी पानी की बूंद मटके के अंदर से निकाल के लाओ और बब्बा ठंडे मटके से निकाल के लाओ, और ए पूछ के महीने में जो कोट पहने ना उसके एक छाती पर टपका देना, एक बूंद मात्र, ज्यादा नहीं टपका, एक बूंद भी गिरेगी ना उचक जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहा, उचक जाएगा, बिल्कुल ठीक कह, उचक जाएगा, एक जरा सी पानी की बूंद से उचक जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहा बेटा तू। ऐसे मित्र किसी ने गलत बोल दिया, वो अंदर हृदय में चली गई, वो छाती पे गई तो ऐसे उचक गया, वो कहीं अशुभ शब्द भीतर हृदय में चला गया, मेरे मित्र धर्म से उचक जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति की बात नहीं सुनने का, उचक जाएगा, उचक जाएगा व्यक्ति, वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए उस तत्व को समझो, उस तत्व को समझो। पंचाशती का गाथा नंबर 135 नोट कर लेना भैया, ग्रंथ न मिले तो मेरे पास आना, मैं दिखा दूंगा। वो गाथा में लिखा हुआ है, जो जीव सहज भाव से शांत चित्त से जीता है, सहज भाव से शांत चित्त से जीता है, उसके पुण्य का तीव्र असर होता है। तो तुरंत प्रवीण एक बात मेरे मस्तिष्क में आई कि जिन दीक्षा लेते ही जिन बच्चों की कोई कीमत नहीं होती, गलियों में घूमते मिलते हैं, दीक्षा होते ही दुनिया में यश फैलने लगता है, लोग प्रशंसक बन जाते हैं, क्या रहस्य है। दीक्षा लेते ही कारण इतना है कि परिणाम शांत होते ही पुण्य बढ़ना प्रारंभ हो जाता है और ईशा कीर्ति आगे आगे दौड़ना प्रारंभ हो जाती है। आपका समय हो गया, पुनः कभी चर्चा करूंगा, पर इतना ध्यान रखना जीवन में, यानी यति सम्मेलन का अध्यक्ष
राजीव भाई संपत्ति से कभी पुण्य नहीं बढ़ता, ये भूल मत कर लेना जीवन में कभी। संपत्ति से पुण्य नहीं बढ़ता, समता से पुण्य बढ़ता है। पुण्य बढ़ने से संपत्ति मिलती है, इसलिए जो दुखी है उन्हें भी अपना भूत देख लेना चाहिए, जो सुखी है उन्हें भी अपना भूत देख लेना चाहिए, और पंडित ललितपुर वर्तमान को देख करके अपना भविष्य देख लेना चाहिए। जाओ कल फिर आओगे, यानी पर्यायित पुनः चर्चा करूंगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। सभी सभी को सूचना प्रभावित महावीर स्वामी की, सभी को सूचना आचार्य श्री सत्संग संत भवन में पहुंचकर आहारचर्या के लिए उठेंगे, और आहारचर्या के बाद ढाई बजे दोपहर में, ठीक ढाई बजे दोपहर में बड़ा मंदिर संत निवास से करवाजी के लिए विहार करेंगे, और जैसे हमने आगवानी की है वैसे ही हम